रसोई में दूध रखा है बेटा, चाय बना ले और हाँ थोड़ा दूध बचा भी लेना। अभी बहू उठेगी ना तो उसको चाय बनाकर दे दूंगी। पता नहीं माँ को क्या हो गया, बचपन में कितना ख्याल रखती थी मेरा, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। मम्मी मेरे दोस्त ने ना नई साइकिल खरीदी है, मैं भी खरीदना चाहती हूँ, मेरे को दिलाओगी ना मैं भी चलाऊंगी। रूबी तूने चाय नहीं बनाई, बना ले बेटा और भाभी को भी लाके पिला दे। नहीं पीनी मुझे चाय भाई, जाओ तुम इसी की तीमारदारी करो। देख बिटिया इसके दुख सुख में हमारा ही तो फर्ज है इसकी देखभाल करना। मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं। अरे बेटा तू तो मेरी रानी बेटी है, पर ये भी तो मेरी बेटी है। ना सुबह से कुछ खाया है ना पिया, बस बदन तप रहा है बुखार में। पर माँ तुम उसकी बहू थोड़ी ना हो, वो तुम्हारी बहू है। और ये किसने कह दिया कि बहुओं की ही सारी जिम्मेदारी है, और इससे फर्क भी क्या पड़ता है। बस इतना ही ना कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, और ये भी तो हमारे लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, अपने परिवार को छोड़कर आई है, तेरी बहन ही तो है। तू दवा खाकर माँ सो जाती वो, पर तुम्हें पैर दबाने की क्या जरूरत थी। मैंने इसको बोला कि डॉक्टर को दिखा ले, पर ये बोली जिज्जी आ जाए तब चली जाऊंगी। माँ जी आप कहाँ ले जाऊंगी, वैसे भी जिज्जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका बीपी हाई रहता है, इसी बहाने वो भी दिखा लेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, तो चल मुँह हाथ धो ले, मैं तब तक चाय बना देती हूँ। कैसी हो भाभी? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रात में तो कुछ खा लीजिए, चाय तो पी लीजिए जी।